हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप किसी भी कैंडिडेट का आधार कार्ड बनवाते हैं या पहले से आधार कार्ड किसी का कैंडिडेट का बना हुआ है और उसमें मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, 2015 का एक कैंडिडेट है, उसका आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन दोस्तों क्या है, आधार कार्ड वो डाउनलोड करने जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो OTP मांगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से पहले का लिंक नहीं है और आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम है, तो किस तरीके से आप सारी जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए, इस तरीके का मैसेज हो जाता है, योर आधार हैड बीन जनरेटेड, और आपको बताया गया कि जो आधार कार्ड है आपका प्रिंट ऑन पोस्ट कर दिया गया है। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो UDI के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं UDI.gov.in पे। तो यहाँ पर अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप डाउनलोड दोस्तों नहीं कर सकते हैं। तो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं दोस्तों, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आप आधार नंबर बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो उस तरीके का डैशबोर्ड मिलता है। आपको यहाँ पे आधार नंबर या इनरोलमेंट ID नंबर आपको फिल करना है। चलिए, हमारे पास आधार नंबर तो है नहीं, इनरोलमेंट ID नंबर है वो फिल कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी यहाँ पर आपका डेट और टाइमिंग था वो फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम घंटा मिनट सेकेंड से लेंगे, उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखना है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, क्योंकि वो आपका मोबाइल नंबर तो लिंक है नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे यहाँ देना पड़ेगा न्यू मोबाइल नंबर, और आपके मोबाइल पर OTP सेंड कर दिया जाता है। जैसे OTP आएगा, OTP हमारा रिसीव हो जाएगा, दिखा देते हैं आपको। OTP दोस्तों हमारे मोबाइल पे भेज दी गई है, OTP डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको बताया गया कि इसके अकॉर्डिंग आधार नंबर आपको जो प्राप्त होगा या आधार कार्ड प्राप्त होगा, अगेन आपको PVC कार्ड आपके जो भी मोबाइल पोस्ट है उसके एड्रेस पे आपको आधार कार्ड बाई पोस्ट कर दिया जाता है, वो भी PVC कार्ड, और इसके लिए आपको ₹50 के चार्ज लगेंगे। तो आपको इसको क्लोज पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हमने OTP गलत डाल दिया था इसलिए इस तरीके का पेश हो रहा था, तो ये OTP डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन के सबमिट ID नंबर डाला है, इन्वेंट नंबर डाला है, उसके अकॉर्डिंग ₹50 का आपका चार्ज कटेगा और स्पीड पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको बाई पोस्ट एक स्मार्ट कार्ड आधार कार्ड का सेंड किया जाता है। तो आपके बाई पोस्ट जो आधार नंबर भी मिल जाता है और आपको यहाँ पर आधार कार्ड भी आपको बाई पोस्ट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड रिसीव करना चाहते हैं तो आपको 15 से 20 दिन वेट कर लेना है, और आधार नंबर तो आपको तुरंत ही मिल जाता है। चलिए, हम यहाँ पे पेमेंट कटा लेते हैं टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके। यहाँ पे जैसे ही आते हैं उसके बाद यहाँ पे बताया गया, ड्यू टू प्राइवेसी रीजन डेमोग्राफी डाटा एज आधार कैन नॉट बी डिस्क्लोज एंड स्टेट, इस तरीके का मैसेज आता है और आपको इस पर क्लिक करना है ओके पे, और आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक QR कोड अपने को आपको अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग QR कोड से भी पेमेंट कर ले सकते हैं या वैलेट से भी कर सकते हैं। चलिए, हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड पे अलग क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोनपे का QR कोड शो होता है, आपको QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट ₹50 का कर लेना है। तो चलिए, हम यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और ₹50 की पेमेंट कर लेते हैं, जिससे कि आधार कार्ड बाई पोस्ट घर पे सेंड कर दिया जाता है और आधार नंबर तुरंत ही आपको मिल जाता है। तो चलिए, हम यहाँ पे पेमेंट करा लेते हैं ₹50 का। देखिए, ₹50 का पेमेंट हमारा कट चुका है। अभी हम आपको दिखाते हैं आधार नंबर। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अभी हमें वेट कर लेना है, यहाँ पर बताया गया है 0 सेकेंड, तो यहाँ पे 10 सेकेंड का वेट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा सर्वर स्लो है। भी देख सकते हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे जो कैप्चर्स है, कैप्चर फिल करने के लिए कहा गया है, कैप्चर्स को हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक रिसिप्ट जनरेट होती, उस रिसिप्ट को आपको क्या करना है देख सकते हैं,
यहाँ पर आपका रिसिप्ट जनरेट हो चुका है, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर है, रिसिप्ट डेट है और ऐसा नंबर है, और यहाँ पे पेमेंट का जो जिस मेथड्स की वो है, और आपको जो भी पेमेंट की वो है, और आधार नंबर आप देख सकते हैं, आधार नंबर कैंडिडेट का ये है। इस तरीके से आधार नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी कैंडिडेट का एनरोलमेंट स्लिप से। तो इस तरीके से आपको आधार कार्ड भी प्राप्त हो जाता है और आपको आधार नंबर मिल जाता है, जिससे कि अगर आपको आधार कार्ड अगर नंबर मिल जाता है तो आप आधार सेंटर या आधार यूएसएल पॉइंट पर जा करके आधार से अपना मोबाइल नंबर आसानी से लिंक करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं आधार तो जनरेट हो जाता है, तो साइबर कैफे वाले या जो भी यूसीएल वाले के पास जाते हैं तो बहुत काफ़ी पैसा मांगते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होता है। दोस्तों कुछ नहीं करते हैं वो, इसी तरीके से उनको यहाँ तक कि पेमेंट भी कटाना नहीं होता, आधार नंबर निकाल लेते हैं, लेकिन आपको अपने खुद से अगर अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है या प्रिंट करवाना है तो OTP की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ये बेहतर प्रक्रिया है, जिससे कि आप आधार कार्ड भी निकाल, आधार कार्ड आपका बाई पोस्ट भी कर दिया जाता है और आधार नंबर भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन बता दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा, उसका भी सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ओके दोस्तों।